हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है 21st ऑफ जुलाई से लेके 27th ऑफ जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर पाइसेस, King of Air, Nine of Air, Two of Water, Four of Water, Ten of Air। तो Pisces, Two of Water के साथ लगता है ये person अपनी गलतियों को ठीक करना चाहता है। आप जिससे भी deal कर रहे हैं, ये person ये realize कर पा रहा है कि उन्होंने आपको कितना ज्यादा hurt किया है, क्योंकि King of Air के साथ ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन अक्सर अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं होता। इनफैक्ट ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जिससे गलती हुई है वो आप ही हैं और आपको ही सिचुएशन को ठीक करना चाहिए। और ये इनका एक टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, ये इनके साइड का सॉरी ये इनके नेगेटिव साइड का एक ट्रेट है। और ये चीज़ आपको काफ़ी परेशान कर सकती है, इनफैक्ट कर रही है, क्योंकि मैं नाइन ऑफ एयर के साथ देख रही हूँ आप किसी सिचुएशन में फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस किंग ऑफ एयर को ट्रस्ट करें भी कि ना करें। ओके, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। बट एक चीज़ इस पर्सन के बारे में जो ट्रू है वो ये कि ये पर्सन आपके सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोच रहा। बट ये जो अट्रैक्शन है, ये जो कनेक्शन है, वो एक जगह है और दूसरी तरफ ये सब कुछ जिससे आपको डील करना पड़ रहा है। तो नाइन ऑफ एयर के साथ शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट भी हो सकता है, हो सकता है कि इन्होंने कुछ कहा हो या किया हो और उसके बाद आपके रोकने पर या आपके कुछ कहने पे इस पर्सन ने आपको ही ब्लेम किया और उसके बाद से ये पर्सन ऐसे साइलेंट हो जैसे कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है और उसका कोई सलूशन नहीं है। तो ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है आपको। इनफैक्ट नाइन ऑफ एयर के साथ ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे आपके लिए इस पॉइंट पे। बट जब आपको ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया या इस पर्सन को कोई परवाही नहीं आपकी, ये पर्सन आपके पास वापस चला आएगा टू ऑफ वाटर के साथ। इस पर्सन को ये रियलाइज होगा कि उन्हें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने अंदर डेफिनेटली। हालांकि ये पर्सन जब वापस आएगा तो आपके साथ अच्छा टाइम बिताना चाहेगा और यू नो आपके बीच में काफ़ी सारी बातें हो सकती है और ये बातें काफ़ी रोमांटिक भी हो सकती है। बट किंग ऑफ एयर, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे या सॉरी कहेंगे या माफ़ी मांगेंगे, वो मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा है। ये पर्सन चाहेगा कि उस टॉपिक पे बात ही ना हो, जो भी इशू आप दोनों के बीच हुआ लास्ट टाइम उसके ऊपर बात ही ना हो, उसे बस आप यूं ही भूल जाएं, वो यूं ही भूल जाएं और बस फिर सब ठीक है। टू ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन एक अच्छे फ्रेंड की तरह बिहेव करेगा। ओके, अभी भी उम्मीद ये रहेगी कि लव की जो इच्छा है या उनसे प्यार पाने की जो इच्छा है वो पहले आप ही शो करें बजाय उनके, क्योंकि इस पर्सन को आपसे प्यार चाहिए पाइसेस। ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा, चाहे कितने भी रफ एंड टफ दिखाई दे रहे हो, कितने भी ज़्यादा स्टबन नज़र आ रहे हो। इनकी इमोशनल नीड्स सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं और इसीलिए तो ये पर्सन यहाँ होगा। बट अभी भी कुछ माइंड गेम्स चलते रहेंगे। ये पर्सन यही उम्मीद करेगा कि आप अपनी तरफ से सारी चीज़ों को हैंडल कर लें या आप ही अपनी तरफ से अप्रोच करें या फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें कि अभी भी आप उनसे प्यार करते हैं। फोर ऑफ वाटर के साथ इस पर्सन को लगता है कि कुछ ऐसा है जो इन्हें कभी नहीं मिल सकता। आई डोंट नो इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, बट पाइसेस इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि उनके इस बिहेवियर के कारण आप उन पर शायद ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं या अब दोबारा आपका ट्रस्ट जीतना उनके लिए नामुमकिन होगा। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि बार बार इस तरीके के बिहेवियर से आप उनसे दूर होते जा रहे हैं।
और फाइव ऑफ वाटर आपकी सिचुएशन में भी अप्लाई होता है। आपको भी ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन से आपको एक ट्रू कमिटमेंट कभी नहीं मिलेगा, ये पर्सन अपने आप में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं लाएगा, अपने ऊपर कभी वर्क नहीं करेगा। तो टर्न ऑफ एयर के साथ ये जो सिचुएशन है आप दोनों के लिए ही बहुत पेनफुल हो सकती है, आप दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आप दोनों ही इस टर्न ऑफ एयर से गुजर रहे हैं, इस पेन से गुजर रहे हैं अपने अपने रीजन की वजह से। और पाइसेस, आपके लिए एक डिसीजन लेना इस पॉइंट पे बहुत मुश्किल हो सकता है। ये पर्सन अगर वापस आ भी जाए तो जिस तरीके का इनका बिहेवियर रहेगा, उन चीज़ों पे बात ना करना जो बहुत ज़रूरी है, या पुरानी बातों को अवॉइड करना, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि क्या आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि कोई एयर साइन ही हो। एंड यू नो, ये एनर्जी जो है वो रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। सेवन ऑफ एयर, टेन ऑफ फायर, द हर्मिट, द फूल एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो हमारे पास है सेवन ऑफ एयर। सेवन ऑफ एयर के साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको इस पर्सन ने फिर से रास्ते में रोक दिया। ओके, भले ही आप नाइन ऑफ एयर से गुजर रहे थे, पेन में थे और लग रहा था कि मूव नहीं कर पा रहे, मगर फिर भी सबकॉन्शियसली आप मूव ऑन कर रहे थे, या आप इस फैक्ट से अपने आप को पूरी तरह से अवेयर कर चुके थे कि हाँ ये चीज़ जो है ये ऐसे ही रहने वाली है, और अगर आपको इस पर्सन के साथ ये फ्यूचर चाहिए तो या तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दें, या फिर यू नो, बस बिना किसी सवाल के आगे बढ़ें। बट यहाँ पे सेवन ऑफ एयर दर्शा रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको फिर से सोच में डाल देगा। ओके, आपने काफ़ी आगे तक जर्नी की भी है, भले ही आपको लग रहा हो कि आप मूव नहीं कर रहे थे, बट टाइम के साथ चीज़ें बदल रही थी सबकॉन्शियस लेवल पे, और आप डेफिनेटली कुछ तो आगे आ ही गए थे। तो ये पर्सन फिर से आपको रोकेगा। टेन ऑफ फायर के साथ पाइसेस, आपको लगेगा जैसे कि ये जो गेम है, ये जो रिलेशनशिप है, एक गेम की तरह बन गया है। आप इसे संभालना चाहते हैं पर ये हर बार आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। टेन ऑफ फायर के साथ आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप सब कुछ एक साथ नहीं संभाल सकते। टैरो आपको ये याद दिला रहा है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भूलिए मत, जब भी कोई फैसला लें अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सोच समझ के लें। ओके, हर्मिट के साथ पाइसेस, शायद ये वक्त है अकेले बिताने का। इस पॉइंट पे ज़रूरत है आपको कुछ समय खुद को दूसरों से कट ऑफ करने की और क्लियरली सोचने की, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर देगा। ओके, फूल के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है बिल्कुल भी डरिए मत कोई भी स्टेप लेने में या कोई भी डिसीजन लेने में अपने लिए, स्पेशली वो डिसीजन जो आपके लाइफ को बेहतर बनाएंगे एंड आपको नया रास्ता दिखाएंगे। स्ट्रेंथ है आपके पास, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन चेंजेस को सक्सेसफुली प्रोसेस करने में आप कैपेबल हैं। ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो होती रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई पैटर्न है जो दोबारा रिपीट हो रहा है, और फिर से शायद वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, और आपको खुद को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं या आप किस तरीके के रिलेशनशिप में अपने आप को देखना चाहेंगे। ओके, तो अपने विजडम को यूज़ कीजिए और स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके आसपास एंजल्स हैं जो आपको देख रहे हैं। आपका ये जो पेन है, आपकी ये जो प्रॉब्लम है, उसे यूनिवर्स सुन रहा है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी चिंताओं को इस वक्त छोड़ दीजिए
और जब आप अपनी चिंताओं को छोड़ देंगे तो उस चिंताओं को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी यूनिवर्स की हो जाएगी, और तब आप मिराकल्स देखेंगे कि किस तरीके से आपके बिना एफर्ट किए भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं. ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.